सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा। क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था कि टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। संसद सत्र नो सातमो दिवस अने आ दिवसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ए राहुल गांधी ना निवेदन पर जवाब आप्यो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ए पोताना भाषण मा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी थी मांडी ने कांग्रेस ना कार्यकाल पर भरपूर निशान साध्यु। एटलू ज नहीं, राहुल गांधी ना हिंदूवाड़ा निवेदन पर पण तेमणे जवाब आप्यो। शू बोल्या छे प्रधानमंत्री, सांभळो। संसद सत्रना सातमा दिवसे प्रधानमंत्री मोदीए लोकसभामां राष्ट्रपतिना अभिभाषण पर आभार प्रस्ताव पर चर्चानो जवाब आप्यो, जेमां विपक्षे सतत होबाळो मचाव्यो। प्रधानमंत्री जेवा संबोधन माटे ऊभा थया ए साथे ज तानाशाही नहीं चलेगी, वी वोंट जस्टिस अने मणिपुर मणिपुर जेवा अलग अलग नाराओ लगाववानुं शरू थयुं। पीएम मोदीना आखाई भाषण दरमियान विपक्ष छे ते सतत नारेबाजी करतुं रह्युं। સ્થિતિ બે વખત એવી આવી કે પીએમ મોદીએ પોતાનું ભાષણ રોકવું પડ્યું। સ્પીકરે વિપક્ષને આવું ન કરવાની વારંવાર સલાહ આપી, પરંતુ વિપક્ષ સતત નારેબાજી કરતું દેખાયું। આપકો પર્યાપ્ત સમય પર્યાપ્ત અવસર દિયા હૈ, યે શોભા નહીં રહેતા, આપ સદનમાં ડાયરેક્શન દો, માનનીય નેતા જે બોલ રહે હો જબ ખડે હો, યે શોભા નહીં દેતા આપકે લિયે, યે ઉચિત નહીં હૈ સંસદીય પરંપરાઓં કે અનુસાર। પોતાના ભાષણમાં પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસ પર પાણી પીને પ્રહાર કર્યા। લોકસભામાં પીએમ મોદીએ રાહુલ ગાંધીનું નામ લીધા વગર તેમના પર પ્રહાર કર્યા અને પોતાના ભાષણમાં 8 વાર બાળ બુદ્ધિ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો અને હિન્દુ મુદ્દે પણ નિશાન સાધ્યું। હમારે દેવી દેવતાઓ કા અપમાન 140 કરોડ દેશવાસીઓ કે દિલો કો ગહેરી ચોટ પહોંચા રહા। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? आदरणीय सभापति जी, सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा। क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। આ ઉપરાંત પીએમ મોદીએ શોલે ફિલ્મનો ડાયલોગ કહીને કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધીનું નામ લીધા વગર પ્રહાર કર્યા અને 13 રાજ્યોમાં 0 સીટ આવી તે મુદ્દે પણ નિશાન સાધ્યું। સભાપતિજી, મુદ્દે કિસ્સા યાદ આતા હૈ, 99 માર્ક્સ લેકર એક બાલક ઘમંડમાં ઘૂમ રહા થા और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो थावाजी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है।
आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। एक तरफ जहां सोमवारे राहुल गांधीए पूरा 104 मिनिट नू भाषण आप्युं हतुं अने खूब निशान साध्युं हतुं, त्यां बीजी तरफ प्रधानमंत्री मोदीए मंगळवारे 2 कलाकथी वधु भाषण आप्युं, जेमां घणा मुद्दाओ पर कोंग्रेस सहित विपक्षने आडे हाथ लीधुं हतुं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक।